दो से अधिक पर चिन्ह वाई नहीं अंकित हो, दो से अधिक पर चिन्ह वाई अंकित नहीं हो। चलिए अब देखिए, इसके बाद हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है प्रायिकता दो से अधिक पर चिन्ह चिन्ह वाई अंकित ना हो, अंकित नहीं हो, दो से अधिक पर, है ना, यानी कि दो और दो से कम पर हो सकता है। यानी कहने का मतलब x इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो पर, बार बार लिखने का आदत हो गया x ना, जेड इक्वल टू वन पर और जेड इक्वल टू टू पर, प्रायिकता का योग हमें यहाँ निकालना होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ आ जाएगा आपका सिक्स सी जीरो टू बाई फाइव का पावर, 2/5 का पावर 3, सॉरी 6, और इंटू में 3/5 का पावर 6 - 6 प्लस, इसके लिए क्या हो जाएगा 6C1 2/5 का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इसके ऊपर पावर 5 और यहाँ 3/5 का पावर 1, यानी कि वही हो जाएगा 6 - 5, तो 1 लिख दिया मैंने, चलो 6 - 5 लिख देते हैं। अब फिर यहाँ आ जाएगा 6C2 2/5 का पावर 4 और यहाँ पर 3/5 का पावर 6 - 4 यानी 2, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं ना कि यहाँ किसके ऊपर बात कर रहे हैं, वाई के ऊपर, ठीक है, तो जैसे इसमें पी और क्यू ले रहे थे ना, उसी तरह से अब की बार ये वाला पी के जगह पे होगा और ये वाला क्यू के जगह पे होगा, बात को समझे ना। यानी आप इसे चाहें तो ऐसे भी लिख सकते थे 6C0 3/5 का पावर क्या होगा, 3/5 का पावर 0 और 2/5 का पावर 6 - 0, 6C1 3/5 का पावर 1 और इसे 2/5 का पावर 6 - 1, बात एक ही हो जाएगी। फिर यहाँ पर हो जाएगा 6C2 3/5 का पावर 2 और 2/5 का पावर 6 - 2, बात को समझे ना, दोनों को सॉल्व करोगे तो यही आ ही रहा है, देख लो दोनों एक ही हुआ। कहने का मतलब यहाँ पे हमें वाई को ना देखना है जी, चिन्हवाई वाला, यानी कि अब की बार पी की जगह पे ये लेंगे और क्यू की जगह पे ये लेके चलेंगे, बात को समझे ना। चलिए तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा 2/5 का पावर 6 प्लस 6 इंटू में 3/5 इंटू में 2/5 का पावर 5 प्लस 6C2 की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 15 3/5 का पावर 2 और 2/5 का पावर 4, ठीक है। चलिए तो आप इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, किस तरह से देखिए, जैसे कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा 2/5 का पावर 4 कॉमन हो जाएगा, है कि नहीं, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 2/5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए आपका 18 18/5 और इंटू में एक 2/5 बच जाएगा, यहाँ पे 15 बचेगा, 2/5 का पावर 4 निकल गया, ये बचेगा आपका कितना 9/25। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए 2/5 का पावर 4 अंदर हो जाएगा 4/25 प्लस का 36/25 और प्लस का 135/25, तीनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो 2/5 का पावर 4 और इंटू में यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, इन तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 175 और बाई में 25, ठीक है, तो ये आपका कट जाएगा 7 टाइम्स में, यानी कि 7 × 2/5 का पावर 4 इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका अगला 3 नंबर इसमें क्या कह रहा है।